आइए, आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। आइए, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि हमारे पास में एक तो व्यक्तिगत लोग आते हैं हॉस्पिटल में या फिर ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं, और अलग 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 प्रेजेंटेशन से लोग आते हैं। सेक्स के बारे में प्रेजेंटेशन देते रहते हैं, मानसिक बीमारियों के बारे में देते हैं। तो मैंने ऐसा सोचा है कि बीमारी का नाम देना और बीमारी के बारे में बताना, इसके बदले लोग कौन सा प्रेजेंटेशन लेके आते हैं उसके बारे में आपको जानकारी देना। तो कुछ ऐसे सीरीज ऑफ वीडियोस में आपको बताऊंगा कि जिसमें लोग क्या सिम्टम्स लेके हमारे पास में आते रहते हैं। तो आपको पता चलेगा कि कौन से सिम्टम्स है जो मानसिक बीमारियों में दिखते हैं। तो मैं कुछ ऐसे पढ़ूंगा कि लोग क्या लेके हमारे पास में आए, क्या लक्षण लेके आए। तो भैया देखिए, मैं प्रोफेशनल सीक्रेसी है तो नाम और उसका गांव ऐसा कुछ बताने वाला नहीं हूँ। मेरे पास में काफ़ी सारे है, ये सब कागज है, पर्चियाँ हैं, मगर मैं बताऊँगा नहीं उनका नाम। तो ये जो व्यक्ति है एकदम यंग लड़का है, और इसमें इनको बार बार सेक्स के विचार आते रहते हैं, और बहुत ज़्यादा सेक्स के विचार आते हैं, और फिर उसको हस्तमैथुन करना ही पड़ता है, और हस्तमैथुन करने की फिर उसको लत लग गई है। उसको साथ साथ पॉर्न वीडियो देखने की भी बहुत लत है। कम से कम 1.5-2 घंटा रोज पॉर्न वीडियो देखता है, उसके से उसको जमता ही नहीं है, वो तो करना ही पड़ता है। और इसको लड़कों के बारे में बहुत बड़ा आकर्षण है। वो एक्चुअली उसने सेक्स नहीं किया, मगर उसको लगता है कि मैं लड़कों के पास में जाऊं, उनसे बात करूं, कहीं ना कहीं स्पर्श करूं, हाथ लगाऊं, शेक हैंड करूं, या चप्पी मार दूं एक बार, ऐसा कुछ ना कुछ करेगा जिसमें उसको अच्छा लगता है। उसने अभी तक सेक्स किया नहीं है, मगर उसको डेफिनेटली होमोसेक्सुअलिटी के लक्षण है। इसके गर्दन और सिर भी बहुत दुखता है, और इसके वजह से वो मतलब प्रोडक्टिविटी कम है, और ये विचार रहते हैं तो काम धंधा नहीं कर सकता। तो ये हो गया। दूसरा जो है ये काफ़ी मिडिल एज है, अबो मिडिल एज, करीब करीब 50 साल की उम्र है। ये बोलते हैं कि मेरा मूड अच्छा नहीं रहता, निगेटिव थिंकिंग है, सब चीज़ों में उनको नकारात्मक विचार आते हैं, डिप्रेशन रहता है, मूड ऑफ रहता है, कभी कभी गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, और छोटी छोटी बात के ऊपर बहुत सोचते रहते हैं। किसी से बात करना उनको अच्छा नहीं लगता, रात को नींद नहीं आती है, और उदासीनता बहुत आ गई है, और लगता है कि ज़िंदगी में कुछ पड़ा नहीं है। ये पिछले 5-6 महीने से उनको लगता है कि बीमारी बहुत बढ़ रही है, और लड़के की शादी है, वो भी लड़के की शादी कोई फिक्स नहीं हुई, उनको चिंता लगी रहती है, और उनको लगता है कि कभी कभी कि भाई मैं खुदकुशी कर लूँ तो अच्छा होगा। तो ये क्लासिकल डिप्रेशन का है, और उनको डिप्रेशन के लिए मैंने दवाइयाँ दिया। फिर ये तीसरा जो है एकदम ये यंग लड़का है, और उनको देखो बहुत ये है कि उनको डर लगता है, उनको ऐसा लगता है कि कोई आकर मुझे गोली मार देगा, और उससे वो डरता है। उसको लगता है कि मेरे अंदर वो जो मन में बैठा हुआ है कि भाई मुझे कोई आके गोली मार देगा, और इसका सबूत उसके पास में कुछ नहीं है, काय पर से बोल रहा है, नहीं कुछ नहीं है, विचार आते हैं बार 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 बार, और उसको बहुत फिर घबराहट होती है कोई मार देगा ऐसा, उसको डर लगता है, तो भूख नहीं लगती, और खुदकुशी करने का मन होता है, और खाने के बाद में उसको उल्टी जैसा होता है, और गोली मारने वाली बात जो बीच बीच में आती रहती है वह आ गई तो फिर बहुत ही डर लगता है। ये 8-9 साल से ये बीमारी है, और ये बीमारी दिन ब दिन बढ़ते जा रही है उनको लगता है, और ये मन में अंदर बात घुस गई है, वो कैसे घुसी उसको याद नहीं आ रहा है। और ये जब 8-9 साल की है, अभी उनकी उम्र जो है वो है 20 साल की, मतलब देखिए ये 11-12 साल की उम्र में ये चालू हो गया कहीं तभी, और इनकी बीमारी बढ़ रही है। ये जो नेक्स्ट जो है ये है इनकी उम्र, मतलब ये तो एकदम लड़का है छोटा सा, उनके पेरेंट्स ने मुझे कॉन्टेक्ट किया, और उन्होंने बोला हुआ है कि इनका स्वभाव ये बच्चे का बहुत ही चंचल है, एक जगह पे बैठता नहीं है, स्कूल में से बहुत कंप्लेन आती रहती है कि सबको सताएंगा, तंग करेगा, किसकी मतलब छेड़खानी करेगा, बच्चों की, लड़कों की या लड़कियों की, किसकी भी, और सबको डिस्टर्ब करेगा, एक जगह शांत बैठेगा नहीं, फिर कुछ ना कुछ उसको करते रहना पड़ता है। घर में बैठेगा तो कुछ ना कुछ करेगा, इधर से उधर उधर, नल चालू करेगा तो खिड़की बंद करेगा, दरवाजा खोल देगा तो बटन स्विच ऑन स्विच ऑफ करेगा, ऐसा चालू रहता है। उसके मन के खिलाफ किया तो कभी किसको मार देगा, और एक जगह बैठता ही नहीं है, घूमता रहता है। पढ़ाई खुद के मन से तो करता ही नहीं है, और उसको पढ़ाई में ज़बरदस्ती बिठाना पड़ता है,
थोड़ी देर बैठेगा, 5-10 मिनट के ऊपर बैठ ही सकता नहीं, और उसको खेलने का बोला कि वो ताड़ से उठेंगे और खेलने चले जाएगा। तो ये करीब करीब ये लड़का 8 साल का है और 3 साल से उसको ये प्रॉब्लम है। ये हाइपर एक्टिविटी है, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर ADHD, और इसमें हम जैसा एटोमॉक्सेटिन है, फिर मिथाइलफेनिडेट है, ये गोलियां देते, तो इससे काफ़ी फर्क पड़ता है इसमें। ये जो नेक्स्ट व्यक्ति है जिन्होंने हमको ऑडियो वीडियो कॉल करके कंसल्टेशन किया, इनको बिजनेस का बहुत बड़ा टेंशन है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है बिजनेस के। अब ये कोविड है तो बिजनेस पूरा ठप है, फैमिली में बहुत प्रॉब्लम्स है, फैमिली में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बहुत डिस्टर्ब है, और इसके वजह से फिर उनको नींद नहीं आती। उनको रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है, और रेस्टलेस लेग सिंड्रोम में होता क्या है कि सो गए एक बार बेड के ऊपर तो ऐसा झटका मारना, ऐसा लगता है कि पैर को झटका मारो, फिर अंदर से फिर झटका मारना पड़ता है, थोड़ी सी नींद लगेगी फिर झटका मारना पड़ेगा, या ऑटोमेटिक झटका आ जाएगा पैर को, तो अच्छा लगता है, मतलब कंटिन्यूसली पैर हिलते रहते हैं और झटके मारना पड़ता है तो अच्छा लगता है। तो ये रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है, और उनको पिछले 9 महीने से सेक्स करने की इच्छा ही नहीं हो रही, पूरी मर गई है, और इसके वजह से पत्नी के उनके बहुत झगड़े हो रहे हैं। जब भी कभी सेक्स करते हैं 15 दिन में एक आधी बार, तो बहुत जल्दी इजैकुलेशन हो जाता है, शीघ्र पतन होता है, और फिर उससे भी पत्नी के उनके झगड़े होते रहते हैं कि पत्नी की समाधानी होती नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि अपना पेनिस का साइज जो है वो बहुत कम हो चुका है। ये पहले शराब पीते थे, अभी पिछले 6 महीने से शराब छोड़ दी है, और कभी कभी ऐसा होता है कि उनको इरेक्शन तो आ जाता है मगर 10 में से 2 बार फोर प्ले करने के समय इरेक्शन आता ही नहीं है। तो अभी उनको ये डर बैठ गया है कि समझो इरेक्शन नहीं आया तो पत्नी क्या बोलेगी, और वो डर से फिर वो फोर प्ले भी नहीं करते। मैंने एक वीडियो डाला था कि भाई 10 में से 2 बार ऐसा हो सकता है कि फोर प्ले में इरेक्शन नहीं आएगा, और इसमें डरो मत, ये नॉर्मल है। 80% ऑफ द टाइम इरेक्शन आएगा, 20% इरेक्शन नहीं आएगा, मगर ये डरा हुआ इंसान है और फिर अभी वो फिर करता नहीं है, उससे फिर और झगड़े बढ़ गए। तो इनको एंग्जाइटी है, इंसोम्निया है, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है, फिर इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन है, और ड्रिंकिंग जो है वो पहले था अल्कोहल एडिक्शन था, अभी छोड़ दिया है। जैसे मल्टीपल प्रॉब्लम्स है, और इनको मल्टीपल ट्रीटमेंट अलग तरह से देना जरूरी है, मगर बेसिकली ये जो एंग्जाइटी है, एंग्जाइटी न्यूरोसिस, यदि हम ठीक करते तो मेरे ख्याल से बाकी भी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। ये तो अभी इतना ही है, ये मैंने कुछ पेशेंट्स आपको बताए। देखो आपके आजू बाजू में लोग होंगे, आपको कुछ बीमारी होंगी, ये मैंने ऐसा बताया कि भाई ये बीमारी का नाम नहीं दे सकते, समझो एक आधे कि भाई ये बीमारी है, डायग्नोसिस ये, मगर सिम्टम्स कभी कभी बहुत ज़्यादा मिक्स हो जाते हैं, कभी कभी बहुत स्पेसिफिक बीमारी होती है, तो उसका डायग्नोसिस करके हम इलाज कर सकते हैं। ये जैसे आपके नॉलेज के लिए मैंने दिया कि अलग अलग प्रेजेंटेशंस कैसे होते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो। हमारा जो मकसद है वो है सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत। इसमें आप हमारे पार्टनर बनिएगा। हमारे हॉस्पिटल में लोग वायलेंट, एक्साइटेड, मारपीट करने वाले बहुत हावी हो गए, किसके ऊपर मार तोड़ किया, ऐसे लोग आते हैं, उनको हम भर्ती करते हैं, दाखिल करते हैं, उनका इलाज करते रहते हैं। आप हमारे से ऑनलाइन कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। गूगल स्टोर से आप डॉक्टर केयरकर ये नाम का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और ये ऐप में आप फ्री चैटिंग कर सकते हैं, अलग अलग ऑनलाइन कोर्सेस है वो डाउनलोड कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा अपने खुद के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू।